नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा। देशों दुनिया में क्या है मौसम का ताजा हाल, आइए जानते हैं। मार्च महीने में ही दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत में सूरज की तपिश ने लोगों को परेशान कर दिया है। हालांकि पिछले एक दो दिनों से हल्की ठंड के कारण लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है, जिससे कि बढ़ते तापमान में गिरावट भी आई है। मार्च में गर्मी को देखते हुए मौसम विभाग ने हीट वेव की चेतावनी भी दी। हालांकि अभी लोगों को गर्मी से राहत है। मौसम विज्ञानी बता रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में दिल्ली NCR में तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस कम हो गया है। अगले एक दो दिनों तक तेज हवा भी चलती रहेगी। साथ ही उन्होंने बताया कि 28 मार्च तक तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के करीब रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा, फिलहाल दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत के राज्यों में हीट वेव की कोई संभावना नहीं है, लेकिन गुजरात में अगले 5 दिनों में हीट वेव का असर झेलेगा। उधर उत्तर प्रदेश में अगले 10 दिनों तक गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। रिपोर्ट्स की माने तो जो गर्मी का मौसम अप्रैल के मध्य में होता था, वो अब इस बार मार्च के मध्य में ही देखने को मिल रहा है। इस दौरान औसत अधिकतम तापमान में अभूतपूर्व बढ़ोतरी दर्ज की गई। ऐसा बारिश की कमी के कारण ही हुआ है। उधर मार्च महीने में ही बिहार वासियों को झुलसाने लगी है जून जैसी गर्मी। अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री ऊपर चढ़ने के कारण 38.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान में सामान्य से 4 डिग्री की वृद्धि के साथ 21.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मध्य प्रदेश के भोपाल में आज का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। आसमान साफ रहेगा। उधर पहाड़ी राज्यों में भी लगातार तापमान बढ़ रहा है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आज का न्यूनतम तापमान 17 तो जबकि अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस रहेगा। राजस्थान के जयपुर में आज का न्यूनतम तापमान 24 जबकि अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रहेगा। बता दें, राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से तेजी से तापमान में बढ़ोतरी भी हुई है। उधर आज तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्रा के कुछ हिस्सों, तेलंगाना और दक्षिण महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें भी पड़ सकती हैं। उधर अरुणाचल प्रदेश में हल्की छिटपुट बारिश हो सकती है। वहीं जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और हिमपात हो सकता है। फिलहाल के लिए मौसम के ताज़ा अपडेट में इतना ही। कैसे लगी हमारी जानकारी कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। खबर देख रहे हैं फेसबुक पर, लाइक कर दीजिए हमारे फेसबुक पेज को। अब उपलब्ध है 1100 प्लस डिजिटल केबल नेटवर्क पर एन एंड्रॉइड बेस्ड DTH स्मार्ट सेटअप बॉक्स सभी OTT प्लेटफॉर्म। 24 घंटे लाइव देखिए हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर।